प्रणमामि हरि प्रिय ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः वंशा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलो एक तो श्लोक थोड़ा बहुत कीर्तन है। अभी क्या हो गया? कल क्या बोला था याद है? कल सुबह क्या बोला था? रागानुगा भक्ति जो है दो प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति एक और वैधि भक्ति। वैधि भक्ति के द्वारा वैकुंठ आदि प्राप्ति होता है, है? और रागानुगा भक्ति अनुष्ठान करने पर गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। वैधि भक्ति के बारे में वैधि भक्ति के अनेकों नाम से परिचित है। वैधि भक्ति के क्या क्या नाम है आप बताओ? भयोत्पादिका भक्ति, शासन शास्त्र शास्त्र शासन शासन शास्त्र शासन अनुशासन में ही भक्ति कहा जाता है। अनेक नाम से परिचित होता है। शास्त्र में कुछ नियम दिया गया, उस नियम के पालन करना है, है? जैसे कहा था एकादशी पालन करना चाहिए। एकादशी किस लिए पालन करना चाहिए ना? एकादशी के दिन समस्त प्रकार के पापों के जो बीज जो है, पांच प्रकार अन्न में रहता है, चावल दाल है, गेहूं बाजरा है, ये सब में पाप के बीज रहता है। इसलिए एकादशी के दिन जो अन्न भोजन करता है वो पाप भोजन करता है,
और उसी पाप को भोगने के लिए जन्म जन्मांतर में संसार में आना पड़ता है उसको, है। इसलिए कभी भूल से भी एकादशी के दिन अन्न भोजन ना करें, है। एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, एकादशी के दिन फलाहार करें, है। आज नहीं, कुटू के आटा ले लीजिए, फल ले लीजिए, दही ले लीजिए, है। खाने के माना नहीं कर रहे हैं, खाने के माना नहीं कर रहे हैं, एकादशी के दिन खाना नहीं माना कर नहीं कर रहे, खाना चाहिए, खाओ, कि जो भूख सहन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं अच्छा ठीक है तुम खाओ, किंतु अन्न मत खाओ, है। क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप के बीज, मातृहत्या, पितृहत्या, भ्रूणहत्या, है, गोहत्या, जितने ही प्रकार के पाप कहा जाता है सब पाप के बीज, है, अन्न में रहता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न भोजन करना नहीं चाहिए, समझ में आ रही कि नहीं। हाँ, कुर्मी से लेकर के ज्ञानी तक सभी लोग एकादशी पालन करते हैं, शास्त्र में विधान दिया, सधवा विधवा सभी लोग एकादशी पालन करते हैं, है। जो लोग एकादशी नहीं पालन करेंगे मृत्यु के पश्चात वो जम लोग में जाते हैं, फिर जम महाराज उनको दंड देते हैं, है। सो ऐसे शास्त्र की अनुशासन वाक्य को श्रवण करके, है, वो एकादशी आदि करते हैं। ये एकादशी पालन करे भक्ति के अंग माना जाता है, 64 प्रकार के भक्ति के अंग में एकादश उपवासम, है, समझ में आ रही कि नहीं, है। 64 प्रकार के जो भक्ति के जो अंग बताया गया है, देयर आर 64 लिम्स ऑफ भक्ति, है, अमंग द 64 लिम्स ऑफ भक्ति एकादशी वन है, एक है, है। एकादशी कोई पालन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, भाई से, ये मैं नरक में चला जाऊंगा, इसलिए नरक नरक से जाने से भय से वो एकादशी पालन कर रहे हैं। वो जो भक्ति जो किया, एकादशी पालन करना भक्ति है, है, किंतु वो भक्ति क्या हो गया, वैधि भक्ति में चला जाता है, है। और यही वैधि भक्ति उसको क्या करते हैं, ले जाते हैं वैकुंठ पहुंचा देते हैं, है। आसन भक्त, इसलिए इस प्रकार भक्ति के आचरण करने की कहा जाता है वैधि भक्ति, कहा जाता है भक्तपादिका भक्ति, का भय से करें ना, नरक यंत्रणा से, डर से, भय से वो एकादशी पालन कर रहे हैं, है। इस प्रकार भक्ति की जो आचरण हो जाता है उसके कहा जाता है भक्तपादी का भक्ति, कहा जाता है वैधि भक्ति, कहा जाता है शास्त्र शासन अनुगामिनी भक्ति, कहा जाता है, है। और वही एकादशी कोई पालन कर रहे हैं कृष्ण के प्रति के लिए, कृष्ण प्रीतार्थ है भक्ति के जाजन कर रहे हैं, हम भक्ति हम एकादशी करेंगे किस लिए, कृष्ण के प्रति के लिए, कृष्ण सुख हेतु जो कुछ हम करते हैं उसके कहा जाता है भक्ति में आ रहे हो। और वही भक्ति कहाँ पर ले जाते हैं, गोलोक वृंदावन पहुँचा देते हैं, है? इसलिए एक रागानु का भक्ति और एक वैधि भक्ति का अनुष्ठान हो रहा है, है? ये आपके चिंतन में जो कुछ कार्यक भी करेंगे उसकी उद्देश्य क्या है, है? ये आपकी चिंताधारा रखना चाहिए, है? जैसे जैसे चिंतन आदि करोगे उसी के अनुसार तो फल आपकी प्राप्ति होगा, समझ में आ रहा है?
आपके उद्देश्य के अनुसार फल प्राप्ति होगा। जिस जिस काम के लिए आप कर रहे हैं वही फल प्राप्ति होगा। है किसी को दान दक्षिणा दिया, किसे दान दक्षिणा दिया, ये निर्भर करता है दान देने के उद्देश्य क्या है कि नहीं है। दान देने के उद्देश्य यदि आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति हो तो आपके स्वर्ग प्राप्ति हो गया है। और दान देने के उद्देश्य है जी मेरे मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति हो तो हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो जाएगी। हर वस्तु की निर्भर करते आपके उद्देश्य के, उद्देश्य समझते हो है। पर्पस, व्हाट पर्पस आई डूइंग दिस है, कारण क्या है आपकी इधर आने के, कारण क्या है। कृष्ण गोपियों की यही प्रश्न पूछा है, स्वागतम भो महाभागा है, स्वागतम भो महाभागा। कृष्ण गोपियों की कहने लगी आप लोग के स्वागत है मेरे वंशित धन के सुन करके आप लोग ये यहाँ पर आए हैं, आप लोग के स्वागत है, वेलकम टू यू, दिस ट्रू। किंतु आप लोग की आने के उद्देश्य बताओ है कि नहीं है, किस कारण से आप आए। हर व्यक्ति की दो ये होता है, एक है कार्य और एक कारण, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कार्य कारण होता है, है? जैसे आप वाणिज्य करें, व्यवसाय वाणिज्य करें, उद्देश्य क्या है, धन कमाना है? धन अर्थ संग्रह करना ये आपके उद्देश्य बना, इसलिए तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते कि नहीं है। व्हाट पर्पस, मेक मनी। अभी जो अर्थ आ गया उस अर्थ के क्या करना है, फिर दूसरे प्रश्न आ रहे हैं, उस अर्थ के प्रयोग हम क्या करेंगे उसके उसके ऊपर फिर निर्भर हो रहा है। आप तो डॉलर लेकर के चिबाओगे नहीं, क्या करोगे हैं, उस डॉलर को क्या करोगे हैं, चावल दाल सब्जी आदि खरीद कर है ठीक नहीं है। अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार पालन पोषण करेंगे, यही तो उद्देश्य होता है संसार की लोगों की, यही उद्देश्य होता ही रहता है। धन कमाने की उद्देश्य क्या है, धन क्यों कमाते हो आप है, वाई वाई आर कलेक्टिंग मनी, व्हाट द पर्पस, टू मेंटेन योर फैमिली है, फॉर हुज, इसलिए तो व्यवसाय वाणिज्य करते हैं, मकान बनाएंगे, विवाह शादी करेंगे, बाल बच्चे को पुत्र संतान को पालन पोषण करेंगे है। और धर्म अर्थ काम मुक्त, धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग प्राप्ति करेंगे, धर्म अर्थ काम जिसे त्रिवर्ग कहा जाता है है। संसार के लोग जो भी करते हैं ये त्रिवर्ग के लिए चलते, त्रिवर्ग समय कोई क्रिश्चियन धर्म, धर्म लोग पालन करते हैं, संसार धर्म अनेक प्रकार धर्म की जब हम कहते हैं अनेक प्रकार धर्म, धर्म अर्थ काम, इसके बाद तीसरी क्या आ गया, काम, कामना, अपने हृदय में जितने प्रकार की कामना वासना जो है उसकी पूर्ति करना है, इसलिए तो धन कमाते हैं है, कमाते है कि नहीं है, है? उससे जो कुछ भी बचे कुछ दान दक्षिणा भी कर देते हैं है, गरीबों के दान कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते, शास्त्र में कहते हैं गरीबों के दान करो है, चैरिटी डोनेशन आदि करते रहते लोग, इसलिए तीन के त्रिवर्ग इसको कहा जाता है, धर्म अर्थ काम है, त्रिवर्ग कहा जाता है। और इसके ऊपर आर एक कहा जाता है, चतुर्वर्ग कहा जाता है, चतुर्वर्ग
मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति करते देखा इसमें थकावट आ जाता है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, जिनके लिए मैं इतने परिश्रम किया और वही व्यक्ति मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, है कि नहीं? उसे कभी कभी शशान वैराग्य भी आ जाता है। शशान वैराग्य समझते कि नहीं, जैसे कोई व्यक्ति के कोई प्रियजन मारे देहांतर हो गया, मारा गया, उनकी जब संसार में उसको जब चिता जलाया जाता है, और उसको देख करके हमारे हृदय में वैराग्य आ जाता है। वैराग्य क्या, मेरे भी ऐसे एक दिन होगा, है वे सारे धन संपत्ति के छोड़ करके चले गए और उनके शरीर को क्या हो रहा है, दाह संस्कार हो रहे हैं। ऐसे देख करके कभी कभी मन में वैराग्य आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? देखो और फिर 5-7 दिन 10 दिन 1 महीने कुछ दिन के बाद फिर पुनः संसार कर्म में लिप्त हो जो वैराग्य चला जाता है, इसको कहा जाता है शशान वैराग्य कहा जाता है, है? दूसरी है मर्कट वैराग्य भी कहा जाता है। मर्कट वैराग्य उसे कहा जाता है, है? जैसे मर्कट माने बंदर, बंदर भी कपड़ा भी पहनता नहीं है, है? कुछ नहीं करता है, ऐसे चुपचाप बैठा रहता है, कोई आ जाता है उसके ऊपर छलांग लगाते हैं, छीन लेते हैं, खा दुष्ट है, है? इसको कहा जाता है मर्कट वैराग्य भी कहा जाता है। तीसरी एक वैराग्य कहा जाता है फल्गु वैराग्य कहा जाता है। फल्गु वैराग्य मीन्स अंतर हृदय में अनेक प्रकार की भोग की लालसा और बाहर में वैराग्य दिखाते हैं, कपड़ा पहनते नहीं, अच्छी कपड़ा पहनते नहीं है, है? सिद्ध वस्त्र आदि ठीक से धारण नहीं करते हैं, है? हाँ, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है क्या वैराग्य, फल्गु वैराग्य कहा जाता है। अंतर हृदय में भोग की ललसा और बाहर ऊपर एक धारण कर ले, वैराग्य धारण करते उसके कहा जाता है फल्गु वैराग्य। इसलिए गया में एक नदी है जिस नदी के क्या नाम है, फल्गु रिवर कहा जाता है, है? जहाँ पर लोग पितृ श्राद्ध आदि करने के लिए जाते हैं, है? इंडिया में ये सबसे जो स्थान जो है, इसे कहा जाता है फल्गु रिवर कहा जाता है, है? गया श्राद्ध में लोग जाते हैं, गया गए अपने, गया गया नहीं गए, लोग गया में जाते हैं, है? हाँ, बिहार में जो है फल्गु रिवर वहीं पर है, लोग जाते हैं स्नान आदि करते हैं, ऊपर से पानी नहीं दिखाई पड़ता रहता है और थोड़ा सा बालू हटाने से पानी निकल करके आ जाता है, है? वहीं पर लोग प्रेत श्राद्ध आदि करते हैं, है? प्रेत से भूत पिशाच को श्राद्ध आदि करते रहे, पूर्वजों के श्राद्ध आदि किया जाता है, शास्त्र में ऐसे लिखा गया ये वहीं पर श्राद्ध आदि करने से पितरों की उद्धार हो जाता है, शांति हो जाता है, ऐसे लिखा है। चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए भी अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए गया में पहुँचे, और गया में वहीं पर विष्णु पाद पद्म है, भगवान विष्णु की चरण चिन्ह है, है? बहुत सुंदर दिव्य स्थान है, उसके देख करके चैतन्य महाप्रभु ना शुरू कर दिया, है? ये विष्णु के चरण चिन्ह देख करके महाप्रभु, है? फिर वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ईश्वर परिपाद से मिले, है? इसलिए महाप्रभु से हम कह रहे हैं प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार जतखन देखिलाम चरण तुम्हार। इस प्रकार तीर्थ भ्रमण करते करते कभी संत महात्म्य मिलन हो जाता है, है? और उनसे दर्शन से सब कुछ हो जाता है, है? दर्शन आमनो भवद बंधु अक्षुण सबुतुर सबितुर जथा, है? जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ कोरे जैसे नष्ट हो जाता है, कोरे समझते हो, फग, है? आज है
ठीक उसी प्रकार संत महात्मा के दर्शन होने के साथ ही साथ हृदय में समस्त प्रकार की जो है अनर्थ जो है दूर हो जाता है, पाप नाश, पाप आदि ध्वंस हो जाता है, अगह ध्वंसम, पाप ध्वंस हो जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, वैष्णव के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाता है। गंगा में स्नान करने पर पाप नष्ट होता है, गंगा में स्नान का शास्त्र में कहा गया। गंगा में स्नान कौन कौन किया, आपने किया गंगा में स्नान? नहीं किया, कहाँ पर है? ऋषिकेश में गंगा स्नान लोग करते हैं। गंगा में स्नान करने पर पवित्र होता है, किंतु वैष्णव के दर्शन से पवित्र हो जाता है, स्नान करना नहीं पड़ता है। दर्शन नामनु भवेद बंधु अक्षुण सभी तूर जथा, गंगार परस होइली पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण है। विश्वास करके धो तो धोते है तो है, और नहीं तो गंगा स्नान किया वो भी कुछ नहीं होता है यदि विश्वास नहीं हो। गंगा में पहले प्रातःकाल में, सबसे प्रातःकाल में कौन स्नान करता है? मछुआरा, मछुआरा समझते हो, फिशरमैन है। किंतु जैसे उसके पाप नष्ट नहीं होता है, क्यों? उनकी विश्वास नहीं, ये गंगा जो है भगवान के चरण धोते जल है, है? हाँ समझ, ये साक्षात जो है चिन्मय वस्तु है। देखो वो फिशरमैन क्या करता है, मछली को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, और मछली को क्या करता है, मारता है, तो पाप होता है कि नहीं होता है? तो गंगा में स्नान करके फिर पाप वृत्ति कहाँ से आ जाता है? है प्राणी हत्या करना पाप है कि नहीं है? तो गंगा स्नान करके उनकी पाप नष्ट नहीं हो रहा, पाप वृत्ति अब जग रहा है फिर, और रोज मछली पकड़ता है और मछली को मारता है, प्राणी हत्या करता रहता है, तो क्यों? देख गंगा में स्नान करके भी पवित्र नहीं हो रहा है। जो ब्रह्मा जो गंगा जल जो है स्वयं भगवान वामन देव के जो है चरण धोते जल है, गंगा कोई साधारण वस्तु तो नहीं है, है? ऐसे गंगा जल को गंगा में स्नान करके उसे पवित्रता नहीं हो रहा, क्यों? न उनके विश्वास नहीं है, ये गंगा साक्षात भगवान के चरण धोते जल है। इसलिए कहते विश्वास यदि नहीं करें, सैकड़ों बार गंगा स्नान करने भी फल नहीं होगा। यथा हस्ती स्नानवत कहा जाता है, हाथी भी गंगा में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, मानो है सूंड लेकर के सारे शरीर को अच्छी तरह से धो लेते हैं, और फिर जब ऊपर जब आ जाते हैं नदी से ऊपर आकर के क्या करते हैं, सूंड सूंड से जो है धूल लेकर के अपने सारे शरीर में डाल लेते हैं, मैला हो जाते। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, जो विश्वास करके यदि गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं वो फल नहीं दे रहे उसको, इसलिए कहते हैं स्नान करने से नहीं हो रहा है। स्नान करने के लिए पवित्र यदि होता है तो मछली तो गंगा में, मछली तो पानी में रहता है तो मछली पवित्र है कि नहीं? मछली पवित्र नहीं, अपवित्र माना जाता है, है? स्नान के द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए विश्वास, स्नान करने के लिए कह रहे हैं किंतु कैसे करो, विश्वास के साथ प्रातः प्रातः स्नानं नरकं जाति, प्रातः काल में स्नान करने से मृत्यु के पश्चात जीव कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। प्रातः स्नान नरकं है कंग बने स्वर्ग, मनुष्य कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। प्रातः स्नानं नरकं जाति, नर बने मनुष्य है, दोनों शब्द अलग होता है। प्रातः स्नानं नर कंग जाति, कंग बने स्वर्ग, प्रातः
हर रोज नियम करके प्रातः काल में स्नान करने से कहाँ पहुँच जाते हैं, वो स्वर्गलोक में पहुँच जाते हैं। माघ स्नान विशेषतः माघ महीने में स्नान करने से कहाँ जाते हैं, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, सत्यलोक चले जाते हैं। प्रातः स्नान नरक जाति माघ स्नान विशेषतः माघ महीने में स्नान करने पर नियम करके माघ महीने में स्नान करो है, त्रिवेणी में जाकर के, त्रिवेणी समझते हो, गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद यीशु का जी है, वहाँ पर स्नान करने से कहाँ जाओगे, मृत्यु के पश्चात सत्यलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में। इसलिए प्रातः स्नान नरक जाति माघ स्नान विशेषतः परस्त्री कंठ संलग्न वैकुंठ माप्नोति पर माने श्रेष्ठ स्त्री माने तुलसी है, तुलसी के गले में धारण करके यदि कोई स्नान करे है और मृत्यु के पश्चात वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वैकुंठ प्राप्त कर लेते है। इसलिए तो प्रातः स्नान नरक जाति माघ स्नान विशेषतः परस्त्री कंठ संलग्न वैकुंठ माप्नोति। यहाँ परस्त्री मैंने दूसरे के स्त्री के साथ नहीं है, सहजिया लोग उल्टा व्याख्या कर देते हैं, पर माने श्रेष्ठ है, अस्त्री माने तुलसी, तुलसी कंठ तुलसी गले में धारण करके यदि नित्य प्रत्यह स्नान करें और मृत्यु के पश्चात वो कहाँ जाएंगे, वैकुंठ को प्राप्त कर लेते। तुलसी की महिमा इतने दिखा रहे है, इसलिए मनुष्य मात्र के क्या धारण करना चाहिए, गले में तुलसी धारण करें है। तुलसी हार ना पड़े ये छार जमा लो बासतार। जो लोग तुलसी धारण नहीं करेगा उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, नरक में चले जाना था है। हम इसलिए बता रहे हैं, देखो वैधि मार्ग जो लोग पालन करते हैं कि भय से करता है, किस भय से, नरक से है, दुख कष्ट से। जो भक्ति के आचरण करते हैं, भक्ति के अंग का आचरण करते हैं, वो वैधि मार्ग में चले जाते हैं। और रगानु के भक्ति में वो तुलसी धारण भी दिखा रहे, एकादशी पालन भी कर रहे हैं। तुलसी धारण किस लिए किया आपने, ये भगवान के सुख के लिए, भगवान प्रसन्न होंगे। तात्पर्य क्या, रागानु का भक्ति के विशेष वैशिष्ट्य यह है, जो कुछ भी करें भक्ति के जितने प्रकार की अंग अनुशीलन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके एक ही उद्देश्य रहेगा, कृष्ण प्रीति, कृष्णार्थे अखिल भगवत्याग, कृष्णार्थे अखिल चेष्टापरायण। क्या बोला, कृष्ण सुख के लिए गले में तुलसी इसलिए धारण करते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे है? हाँ समझ, इसलिए तुलसी गले में तुलसी रखना चाहिए। एकादशी इसलिए पालन करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। रागानु का भक्ति की ये विशेष बताते जा रहे हैं। इसलिए रागानु के एक भक्ति के कई नाम भी कहा जाता है। रागानु का भक्ति के क्या क्या नाम है, लोभमयी भक्ति कहा जाता है, लोभ उत्पन्न करा देते। क्या लोभ उत्पन्न होता है, न भगवान की सेवा प्राप्ति करने के लिए लोभ उत्पन्न कराते। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतोपि लभते तत्रापि लोल मूल्यंग जन्म कटि सुकृत न लभते। अनेक अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा जो फल प्राप्ति नहीं होता है, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसके खरीद लो आप, अति सहज रूप में ऐसे दुर्लभ वस्तु को प्राप्त हो जाएगा है। आज जो भगवत प्रेम अनायास में आपको प्राप्ति हो जाए, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा खरीद लो। लोभ क्या है, इस ऐसे कृष्ण की मैं सेवा करूं है, राहरी के चरण सेवा कैसे प्राप्ति करो, इस चरण सेवा प्राप्ति करने के हृदय में लोभ उत्पन्न होता है,
है, लोभ किसी स्थान पर हो सकता है, लोभ लोभोत्पत्ति के कारणम, लोभ के कारण क्या है, वो लोभ ही लोभ के कारण बताते रहते हैं। लोभ और किसी कारण से द्वारा नहीं होता है, समझ में आया। जैसे किसी को रसगुल्ला देख करके मुख में पानी आ गया, लोभ आ गया, स्वाभाविक है। उत्कृष्ट वस्तु के देखते ही उनके लोभ आ जाता है, किंतु लोभ आ गया उसके लोभियों ने वस्तु के प्राप्ति के जो अनुष्ठान, वो हमें करना पड़ेगा। क्या बोला थोड़ा, क्या बोला, ये लोभनीय वस्तु जो हमारे पास, उसके प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान करना पड़ता है। लोभ उत्पन्न तो हो गया, जैसे आपके रसगुल्ला देख करके आपके लोभ हो गया, अभी वो रसगुल्ला कैसे प्राप्ति हो उसके लिए अनुष्ठान करना है। हाँ, वो क्या चीज है, लोभ उत्पन्न होना तो स्वाभाविक हो गया अभी, कि वस्तु के देख करके श्रवण करके है, श्रवण जात हो सकता है, कैसी कथा सुना, रसगुल्ला के बारे में सुना, कभी खाया नहीं रसगुल्ला, किंतु रसगुल्ला के बारे में सुना आपने है, जैसे ब्रज में सबसे अच्छे अच्छे जो मिठाइयाँ जो है खर्चून है, और झूला के समय जो प्रसाद हम लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घेवर, घेवर समझते हो, बहुत स्वादिष्ट है, गुरुदेव के इतना पसंद रहता था है, घेवर एक अच्छा जो है ब्रज के सबसे जो है प्रसिद्ध जो है मिठाई है, है? इतना स्वादिष्ट होता है, क्या बताए, जो घेवर खाया उसके जेह में पानी आ जाएगा, और जो नहीं खाया वो बोले घेवर क्या चीज है, हैं, घेवर के वो गोबर सोच सोचेगा, मैं कहा तो घेवर, वो कहते हैं गोबर। अरे घेवर न, गोबर नहीं, घेवर है, मुंह में लगा दो बस, सेकंड में क्या होगा आपके, मेल्ट हो जाएगा, और इतना मिठास आएगा, क्या बताऊं है, इतना मिठास आएगा, मिठास बहुत मिठा है। तो चलो, जो घेवर के बेकर हम कहते हैं, अभी तो वो मिठाई के नाम सुना, और जब भी उसके प्राप्ति कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। तात्पर्य क्या, उसको हम कैसे खरीदे, कैसे प्राप्ति हो, लोभ उत्पन्न हो सकता है, किंतु लोभनीय वस्तु के प्राप्ति के लिए हमें अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण दे रहे हैं, एक व्यक्ति लोभी है, ग्रीडी, उसके दूध पीना ही पसंद होता है, किंतु उसके पास पैसा नहीं है, है? कोई व्यक्ति के एक किसी के कोई पसंद अच्छा लगता है ना, देखो हर व्यक्ति की कोई ना कोई वस्तु, एक वस्तु उसके अच्छा लगता है, हर वस्तु अच्छा लगता है, किंतु कोई विशेष एक वस्तु में उसको अच्छा लगता है। आपके कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु बताओ, मैंगो है, है? किसी का मैंगो अच्छा लगता है, किसी को केला खाने में अच्छा लगता है, विदेशी लोगों के केला मारो तो आप पहले झट को झपट कर आ जाए, हैं, हाँ, और वस्तु देते देते जो जल्दी अश में नहीं आ रहा है, केला दो तो जरूर आ जाता है, आप देखना, हैं, केला खाने से क्या शरीर पुष्ट होता है, जिसके क्रोध होता है ना उसके केला खिलाओ, क्रोध शांत हो जाएगा, हाँ, केला में ऐसे विशेष शक्ति है, हैं, पोटेशियम है, हैं, जिसके ज़्यादा क्रोध होता है, हैं, उसके केला खिलाओ, देखो धीरे धीरे उसके क्रोध शांत हो जाए, हैं, तो बंदर के केला खाते थे, आपने खिलाया कभी,
तो आप खिलाया तो खाते हैं, किंतु उसको कोई दे तो अब तो, किंतु आप तो मनुष्य है ना, बंदर तो विचार शिथिल नहीं है, बंदर के साथ तो हम तुलना क्यों करें, हैं? मनुष्य के लिए कह रहे हैं, हाँ समझे, हाँ। आप केला खाया करो हर रोज, देखो आपके क्रोध धीरे 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 शांत हो जाए। चलो, कोई एक व्यक्ति के, अलग अलग व्यक्ति के एक एक प्रकार के जो है वस्तु के प्रति लोभ रहता है, विभिन्न प्रकार के फल है, और हर व्यक्ति के एक एक वस्तु की भी इच्छा रहता है। कोई ज्ञान के तरफ जाता है, ज्ञान शास्त्र अध्ययन करने की उसकी इच्छा होती है, एक्वायर द नॉलेज है। वृद्ध हो गया, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, तथापि वो एमए पीएचडी करते जाए, पीएचडी कर रहे, कितने किताब में पीएचडी कर दे पता ही नहीं, तब भी करते जा रहे हैं। उसके क्या है, एक्वायर द नॉलेज, ज्ञान में लोभ रखते हैं। देखना बहुत लोग ऐसे ही होता है, जानते ही हमें कोई काम में नहीं आए, हैं? बहुत जो हम लोग करते हैं व्यावहारिक जीवन में कोई काम में नहीं आता है, आता है। फिजिक्स आपने पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, ए प्लस बी होल्स का जीवन में क्या काम में आया, आया कुछ है? आप बताओ, आपने ए प्लस बी होल्स का तो पढ़ लिया, आपके व्यावहारिक जीवन में कोई काम में आया? अच्छा, व्यावहारिक जीवन में कोई काम में आया, आप बताओ। सारा जीवन तो इतने हैं, कितना वो क्या बोले, कितने हैं फॉर्मूला आपको याद करना पड़ा है, कम से कम साइंस में जो है कम से कम 250 जो है फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है, हैं? जीवन में कोई काम में आया है बताओ, हैं? किंतु आप देखो जो पहाड़ के, वो पहाड़ी जो मैंने जो है गुना को हम करते ना, वो पढ़ते हैं क्या बोले, हैं? मैथमेटिक्स जो हम जो करते ना, एक गुना दो गुना है मल्टीप्लिकेशन, वो हमारे व्यावहारिक जीवन में काम में आता है, हैं? आज हम दुकान में बैठे हैं, प्लस माइनस ये हमें काम में आ जाता है, कहते कि नहीं, हैं? 10 रुपया सामान अपने लिए है, 100 रुपया नोट दिया आपको, तो उसके आपके काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या काम में आ रहे हैं बताओ। कोई कुछ कुछ वस्तु जो है हम लोग वास्तव व्यावहारिक जीवन में कोई काम नहीं आता है, इंजीनियर का काम है, इंजीनियर तो नहीं, क्या इंजीनियरिंग यूज समथिंग, इंजीनियर इफ योर जॉब इज इंजीनियर, इंजीनियर अभी हम जो कर रहे हैं, हमारी इतना 250 जो है फॉर्मूला मैंने याद किया है, जीवन में एक भी कम नहीं आया है, क्योंकि हम देखो गुना हम पढ़ते हैं, है? 2 × 2 × 2 × 4 हम उसके वो व्यावहारिक जीवन में आ रहे हैं, है ना, प्लस माइनस करके, अरे इसकर बिस्कर वो करके हमारे क्या जीवन में आ रहे हैं, आप बताओ, आया कुछ? आप जीवन में क्या आया? कुछ नहीं, केवल ब्रेन को लगाया लगाया कुछ काम ही नहीं आया, हैं? क्या काम में आ गया था बताओ? हम लोग स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं, हैं? जीवन में कोई काम ही नहीं आया, आ गया, आप बताओ क्या काम है तुम्हारा व्यापार, हम करते तुम्हारे व्यावहारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में कोई काम नहीं आ रहा है, डेली लाइफ में कोई व्यवहार काम नहीं आ रहा है, समझे? इतने आप सारे को जान लिया, कोई क्या काम है, कुछ नहीं, केवल ज्ञान मात्र हो गया,
हम इसलिए कर रहे हैं, ज्ञानी लोग उसी प्रकार ज्ञान के एज के लिए ज्ञानी लोग उसको क्या करते हैं, ज्ञान को जो है एक्वायर करते हैं, नॉलेज संग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं, किंतु वो संग्रह कोई काम में नहीं आ रहे हैं। चलो आप कह दो मैं साइंटिस्ट बन गया, चलो वो दूसरी बात होती है, किंतु व्यावहारिक जीवन में कोई नहीं आता है। यही तो कह दिया, भक्ति ऐसे एक वस्तु है वो आपके व्यावहारिक जीवन में भी आ जाएगा और पारमार्थिक जीवन में भी आ जाएगा। व्यावहारिक जीवन और पारमार्थिक जीवन में आ रहे हैं भक्ति है, मेटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ है। जैसे माता पिता के सम्मान करना, ये स्पिरिचुअलिटी हो रहा है, व्यावहारिक जीवन में भी आ रहे हैं। दूसरों के सम्मान देना है, स्पिरिच एक व्यावहारिक जीवन में भी आ रहे हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में भी आ रहे कि नहीं आ रहे है। इसलिए कहा जाता है द स्पिरिचुअल लाइफ है एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं, जीवन में आता है, व्यावहारिक जीवन में भी आ जाता है। जैसे भगवत उपासना कर रहे हैं, चित्त मन जो है आपके भगवत उपासना करने के, चित्त मन क्या होता है, पवित्र होता है, ये व्यावहारिक जीवन में आ रहे और पारमार्थिक जीवन में भी आ रहे हैं। लोग कहते भी भाई तुम सब प्रातः काल में उठ करके ये ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो, अरे ये पूजा करने से तुम्हारे चित्त मन पवित्र होगा, व्यावहारिक जीवन में भी आएगा और पारमार्थिक जीवन में आ जाएगा, है कि नहीं। प्रातः काल में उठ करके ठाकुर जी की उपासना करने पर चित्त मन पवित्र होता है भगवत आराधना, लोग इसको समझता नहीं है। एक व्यावहारिक जीवन और पारमार्थिक दोनों में होता है। चलो हम जो करें धर्म अर्थ काम और इसके बाद मोक्ष मुक्ति, मुक्ति के लोग चाहते हैं। जो भी अनेक प्रकार के मुक्ति के बारे में भी कहा गया, विष्णु अंग्री लाभ अंग्री मुक्ति, भगवान के चरण कमल प्राप्ति ही मुक्ति कहा जाता है, अंग्री माने चरण है। और मुक्ति जनता रूपों सस्वरूप व्यवस्थित मुक्ति, तो अपने स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके है साक्षात भगवान की सेवा करना है, उसके कहा जाता है वो यथार्थ मुक्ति कहा जाता है। उसी के कहा जाता है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम का हम कैसे प्राप्ति करें, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग चतुर्वर्ग जो है ये प्राप्ति करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारे भजन साधन के उद्देश्य क्या है ना, साक्षात रूप में हम भगवान कैसे सेवा करें है? क्योंकि हम भगवान के सेवक हूँ, मेरा परिचय यही है, ये मैं भगवान के सेवक हूँ। आत्मा के स्वरूप का तो धर्म क्या है, किसको सेवा करना, भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाता है, इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि इस संसार में सभी व्यक्ति जो है भगवान के निकट ऋणी है, मेरे पिताजी भी भगवान के निकट ऋणी है, ऋणी समझते हो, डेटेड है, इनडेटेड। मेरे माता भी है, मेरा जितने भी पुरुष है सभी हमारे क्या है, भगवान के निकट सभी ऋणी। इसलिए कहते हैं क्या बोले, ये छह प्रकार के हमको ऋणी ऋण होता है, क्या श्लोक, छह प्रकार के हमें ऋण हो जाता है संसार से जन्म ग्रहण करने के साथ ही साथ है। देवर्षि भूताप्त नृणाम, इस श्लोक में कह रहे हैं, देखो देव ऋण होता है,
है, देवरीन होता है, क्यों देवता लोग है वायु देते हैं, हवा देते हैं, सूर्य आलो देते हैं, है अग्नि ताप देते हैं, इसलिए देवताओं के निकट हम ऋणी बन जाते हैं, देव ऋण कहा जाता है, ऋषि ऋण, देव ऋषि ऋण भी कहा जाता है। संत महात्मा जो है वो हवन आदि करते हैं, उसके द्वारा वातावरण जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है, है हवन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है साल में गृह में एक बार हवन करना चाहिए, है इफ यू आर हाउस होल्डर यू हैव टू परफॉर्म फायर सेक्रीफाइस वंस ए ईयर, एटलीस्ट एक बार जीवन में एक बार घर में हवन करो, है नास्तिक लोग समझ लेते हवन करने से क्या होता है, जो गीताहुति दिया जाता है हाँ समझे, उसमें वायु शुद्धिकरण होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, है इसे शास्त्र में लिखा गया। और देवता लोग जो ऐसे करे देवता लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए शास्त्र में ये दिखाया गया हम ऋणी बन जाते किसके लिए, देवता के लिए, देवता हमें इतने हमें दे रहे, इसलिए शास्त्र में भी लिखा गया प्रातः काल में उठ करके सूर्य के लिए आप पानी चढ़ाओ, है हर समय सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, ओम सूर्याय नमः लेकर के थोड़ा पानी डाल दो, है हर समय समस्त ग्रह में सूर्य के श्रेष्ठ माना जाता है, है ब्रह्म संहिता में लिखा है ना, ब्रह्म संहिता पढ़ो, है करना चाहिए। जब कोई गृहस्थ में रह रहे हैं ये सब विधि को पालन करें, प्रातः काल में उठ करके सूर्य उदय होने के समय है एक लोटा पानी लेकर के छोड़ दो, सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव हमें देते आलू दे रहे कि नहीं, सूर्य आलू होता है तो हमें आनंद होता है कि नहीं, 3 दिन से बारिश हो रही है बाहर जा नहीं पा रहे, मॉर्निंग वॉक कर नहीं पा रहे, और जब थोड़ा काल से जब सूर्य उदित हो माने है बाहर आ जाएगा हमें अच्छा लगे कि नहीं लगे, है हानी इज बेटर मनी इज बेटर देन सनसनी, मनी इज बेटर देन सनसनी, है मनी तो अच्छा है कि नहीं है, बेटर देन सनसनी, तब मर्द करे सूर्य की रश्मि आने से हमारे हृदय आनंद होता है कि नहीं, है अंधकार हो जाए तो आपको कुछ काम नहीं होता है, अंधकार में चोर डकैत बदमाश दुष्ट लोग आता है सब, भूत पिशाच कब निकालता है, दिन में नहीं निकालता नहीं, सूर्यालोक जब हो जाए माने सूर्य की रश्मि आने पर भूत पिशाच सब अजी क्या होता है, सब अंधकार में छिप जाता है, इसे सूर्य देवता हमारे देते हैं, इसलिए शास्त्र में ये सब लिखा है, देवर्षि भूताप देव ऋण ऋषि ऋण, समझ में आ रही है, देव ऋण हो जाता है ऋषि ऋण देवर्षि और भूत ऋण समस्त जीवों आदि जो हमारे लिए भी थोड़ा बहुत है सहायता करता है, एक चिट्ठी से लेकर के सभी हमें किसी न किसी प्रकार से मेरे जीवन में कहीं ना कहीं वो सहायता करते हैं, है इसको समझो, है प्राणी समझ हम अकेला नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं दूसरी जीव जो है हमें भी सहायता करते हैं, पेड़ जो है विशेष करके पेड़ क्या है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं देते, आप बताओ, है तो इसलिए पेड़ को काटना नहीं चाहिए, शास्त्र में लिखा गया पेड़ को काटना नहीं चाहिए, है अरे पेड़ जब सूख जाए उसके काम में लगाओ, है प्राचीन काल में जो ऋषि लोग जो हवन करते थे कैसे हवन करते थे, पेड़ को डाल को काट करके नहीं, वो जब वो सूख जाते ना नीचे झड़ जाता था उसको लेकर के वो हवन आदि करते थे,
ऐसे नहीं पेट को, पेड़ को काट, ऐसे नहीं है। पेड़ जब सूख जाता है तो उस पेड़ को लेकर के काम में लगाते थे, मकान आदि बनाते थे, किंतु वर्तमान युग क्या होता है, लोग पेड़ काट देते हैं। पेड़ को काटना नहीं चाहिए है? इसलिए लिखा नहीं, इंडिया में लिखा रहता है एक पेड़ काटने के पहले 7 पेड़ को आप लगाओ है? एक पेड़ काटने के पहले आप क्या करो, 7 पेड़ रोपण कर लगाओ, वृक्षारोपण होनी चाहिए है। वृंदावन आज धीरे धीरे उजाड़ हो गया बिल्कुल है, उजाड़ समझते हो क्या है, खत्म हो गया। जो वृंदावन की जो महिमा शास्त्र में लिखा गया, वृंदावन की जो डिस्क्रिप्शन जो है वो आज क्या ही नहीं। आप लोग क्या करते, सारे जंगल को काट दिया, अचार काट करके है बड़ा बड़ा मकान बना लिया है, वो वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, इतने प्रदूषण फैल गया। क्योंकि पेड़ नहीं हो तो प्रदूषण फैल जाएगा कि नहीं फैल गया है। आज पाश्चात्य देशों में हम एक चीज देखता हूँ, यहाँ पर जो है चारों तरफ पेड़ों के जो लोग बहुत आदर करते हैं, लगाते हैं, वर्षा होती है इधर है, इसलिए इधर का वायु जो है पवित्र होता है, है? आप इंडिया में पहुँच जाओ और यहाँ से इतने प्रदूषण होता है, सांस लेने में कष्ट होता है। आप देखना, थोड़ा गैर से देखना, आप उधर जब लैंड करोगे है आपको अपने आप महसूस हो जाए, सांस लेने में कष्ट हो जाए, इतने थिक होता है वो वायु है। और फिर जब इंडिया से जब आप इधर ऑस्ट्रेलिया आओगे, लैंड करोगे, देखो इधर हवा जो है इतने आपके हल्का लगता है, क्योंकि लोग प्रदूषण फैला देते हैं ना, और पेड़ को काट देते हैं तो प्रदूषण कहाँ से आ जाए, एक वो दूर कैसे होगा प्रदूषण है, पॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, हम इनके लिए भी हम क्या है, ऋणी बन जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं महाप्रभु जो उदाहरण दिया, तिनाद विष्णु तरुण विष्णु, पेड़ के लिए इतने महाप्रभु क्यों आदर कर रहे हैं, संकृष्ण चैतन्य महाप्रभु तिनाद भी सुनी तरुण वृष्ण, पेड़ के भांति टलन सीखो। पर पेड़ के उदाहरण किस लेते, पेड़ हमें व्यावहारिक जीवन में देखे, पेड़ हमें इतना ना हमें सहायता करता है, हमें जीवन प्राप्त व्यावहारिक जीवन प्रामाणिक जीवन सब जीवन में पेड़ हमें जितना हमें सहायता करता है और किसी नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूँ पेड़ की विशेष महिमा है। तो इन लोग के लिए हम क्या हो जाता है, ऋणी बन जाता है। देवर्षि भूताप्त नीना है, और नीरांग मैंने राज ऋण हम हो जाते हैं। अच्छा यदि राजा नहीं रहे तो हम ठीक से जो है सामाजिक जीवन को हम पालन कर नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। रावण जैसे राजा बने वो तो खून चूस लेंगे अच्छा, किंतु यदि कहीं जैसे अम्बरीश महाराज जैसे राजा बने दो वो उदाहरण दे, अम्बरीश जैसे राजा और रावण जैसे राजा, दोनों राजा में कितना अंतर हो रहा है, राजा तो दोनों ही है। अम्बरीश राजा प्रजाओं के सुख के लिए वो चिंतन करते हैं, भगवान रामचंद्र भी राजा बने प्रजाओं के सुख के लिए, सदा सर्वदा तत्पर रहते थे। इसलिए हम कहते हैं राजा के हम लोग इस संसार में ये रहते हैं, राजऋणी भी बन जाते हैं हम। इसलिए हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते, टैक्स देना पड़ता है राजा को, या अच्छी तरफ से वो व्यवस्था आदि करे। किंतु वर्तमान काल में क्या होता है,
राक्षस बन जाते, राक्षस राजा बन जाते, रावण राजा बन जाता है सब है। रावण राजा बन करके प्रजाशीष सारे पैसे को क्या करते, शोषण कर लेते हैं, में लगा देते हैं। रावण रावण जैसे राजा बने, उस राजा के लिए क्या करते, दुख दुख ही होता है, है? श्रीमद् भागवत वही कथा तो आ रहे हैं। जब वो क्या नाम, समीक ऋषि के पुत्र सिंगी है, आ जाए, उन्होंने परीक्षित महाराज को अभिशाप दे दिया। तो उसके पिताजी आकर, तुम राजा को अभिशाप क्यों दिया ना पिताजी, आपके गले में ये सांप को जहर लगा दिया, इसलिए मैं अभिशाप दे दिया, जाओ 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगा, तक्षक आके कटाए है। आज स्वामी कृष्ण ने कहा, अरे ये तो उचित नहीं है, अरे बेटा तुमने इसे क्या कर दिया। परीक्षित जैसे राजा, धार्मिक राजा, और तुमने उनको अभिशाप दे दो 7 दिन पर मर जाए, तो हमारे राज्य की कौन अच्छी तरह से पालन करेंगे, यही तो कह रहे हैं। राजा कैसे होनी चाहिए, अच्छा राजा नहीं, परीक्षित जैसे राजा होनी चाहिए, प्रजाओं के कल्याण जैसे करें है। और रावण जैसी राजा हो जाए, वो साधु के भी खून चूस लेंगे, ऐसा ना कथा में आते हैं ना है। रावण ने आदेश दिया, जाओ सबसे टैक्स लेकर के आओ, सारे राक्षस तक चले गए, साधु मिल गया रास्ते में, तो उन टैक्स दो, साधु बोले हमारे पास कुछ नहीं, पर तुम्हारे पास खून तो है, रक्त तो है, रक्त तो लेता है, किसी को छोड़ेंगे नहीं है, पैसा नहीं है तो तुम्हारे रक्त में लेता हूं। तो ऐसे दुष्ट असुर जी राजा बने तो उससे समाज में कल्याण नहीं होता है, और अम्बरीश जैसे राजा बने है, जैसे कैसे धर्मात्मा है अम्बरीश सन, भजन करते थे है, एकादश इंद्रियों के द्वारा है भगवान की सेवा करते थे, है कि नहीं, आप बताओ। इसलिए हम क्या होते हैं, राजऋण भी बन जाता है, जो देवर्षि भूताप तो नहीं ना राजन है, मातृऋण पितृऋण भी हो जाता है, माता पिता मुझे पालन पोषण किया इसलिए ऋण बन जाता है, है? ऐसे ऋण से मुक्ति के उपाय क्या है, क्योंकि किससे जो आप पैसा लिया, ऋण लिया, उसे जन्म जन्मांतर में उसके क्या, उसके चुकाने के आना पड़ेगा, कुत्ते हो करके हो, बिल्ली हो करके हो, किसी न किसी प्रकार से आपको आना ही पड़ेगा, है? कुत्ता होकर के उस घर में आना पड़ेगा, रखवाल करना पड़ेगा, समझ में आ रहे, किससे आप एक पैसा लिया उसको चुकाने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा, है? ये संसार की विचित्रमय है, हम लोग जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी से ऋण लेकर के आए और उसके चुकाने के लिए सब हम एकत्रित हुए हैं, और ऋण चुक जाएगा वो अपने आप चले जाएंगे, इसी को समझो है? हाँ समझे, क्या बोला, कहीं नहीं कहीं हम लोग किसी जन्म में कहीं नहीं कहीं ऋण लिया हम लोग, और उस ऋण चुकाने के लिए सब इकट्ठा हो गया, इसके माँ सोच रहे हैं, उसके पिता समझ रहे हैं, इसके पुत्र समझ रहे हैं, उसके बेटा समझ रहे हैं, बेटी समझ रहे हैं, यही होता रहता है। ये आश्चर्य है, उसी के जो समझ जाते हैं वही तो मुक्त पुरुष कहा जाता है, समझ में आ रही है नहीं? तो अब यही हमारे पास ऋण हो गया, कितने ऋण हो गया, 6 प्रकार के ऋण हो जाता है। ये ऋण से मुक्ति के उपाय क्या बताओ, यही तो कह रहा है, देवर्षि भूताप तो ऋणाम तो राजनो है गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, सब कुछ छेड़ करके जब हम मुकुंद भगवान के चरण में आश्रय ले लेते हैं, समस्त ऋण से हम मुक्त हो जाता है, भगवान के चरण शरणापन्न होने पर सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। क्यों न, सभी तो हमारे माता पिता भी तो भगवान के निकट ऋणी है कि नहीं है,
समझ में आ रहे? इसलिए हम जब भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है तब हम समस्त ऋण से मुक्त हो जाते। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम भागवत में कह रहे हैं। मुकुंद भगवान के भजन करने से आप समस्त प्रकार से ऋण से मुक्त हो जाओ। है लोग जो प्रीति साध आदि कर रहे हैं ये कर्म मार्ग में दिखाया गया, कर्मी लोग दिखा रहे। वैष्णव लोग क्या कहते हैं, अरे सब कुछ छोड़कर गोविंद के भजन करो, गोविंद की सेवा करने से सब कुछ होता है। मूल्य ते सिंचिरे जल सखा पल्लवेर बल, गोविंद तो मूल धर्म मूलंग ही गोविंद कृष्ण है। कृष्ण के सेवा करने से है सब ऋण तुम्हारे उतर जाता है कि नहीं? इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गोविंद सेवा करो। इसलिए मतलब हम नहीं कर रहा हूँ ये भाई माता पिता की सेवा मत करो और बेटा की सेवा उनके सबको, वो तो जब वैराग्य आ जाएगा जब छोड़ देंगे हैं। इसलिए क्या करो, गोविंद की सेवा करो हैं। जो जिस स्थिति में है गोविंद की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि सभी हम लोग भगवान के निकट ऋणी है कि नहीं है, है? इसको समझो, गोविंद की सेवा करने से सब हो जाए। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है। इसलिए कहा इसलिए शास्त्र में धर्म मूलंग ही कृष्ण, कृष्ण सेवा करने से सब ऋण से हम मुक्त हो जाते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण सेवा करो है, आज गोविंद की सेवा करो। इसलिए मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये माता पिता की सेवा मत करो है, आज बेटा बेटी की सेवा करो, सब वो जानने में जाए हम ऐसे नहीं। वो तो जब वैराग्य आ जाएगा वो अपने आप छूट जाएगा है। जब तक गृह में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तब तक तो क्या करना पड़ेगा, गोविंद सेवा करो, माता पिता की स्नेह प्रीति करो है। हाँ समझ गए, यही तो दिखाते जा रहे। किसी के अनादर मत करो, सबके सम्मान करो है। इसलिए श्रीमद् भागवत यही उदाहरण दे रहे हैं, गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। एकमात्र गोविंद परम पिता हमारे कौन है, भगवान है कि नहीं? क्या श्लोक है, तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखाश्च, तमेव विद्या द्रवणं द्रवीणम है। इसके बाद उसे लास्ट में क्या है, नहीं नहीं, तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखाश्च तमेव तमेव देव द्रविणं तमेव है। और लास्ट में कहते मम देव देवम, भगवान के लिए कार्य। आप ही हमारे ओरिजिन माता पिता कौन है, भगवान है, है? ओरिजिन हमारे माता पिता कौन है, सब भगवान। आप इसमें से देखो, आपके पिता आपके पिता आपके पिता 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 कहाँ से आया, परम पिता कहा जाता ना, परम पिता परमेश्वर भगवान है। इसलिए जो कुछ भी करोगे सब करके किसको अर्पण करना पड़ता है, भगवान को अर्पण करो। इसलिए भगवान कहते हैं जत कुरुषि जत जोशी जदासी चत जत तपसी कौन थे तत्कुरुष मत अर्पण। जो कुछ भी करोगे उसके फल मुझे प्रदान कर दो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा है। ठीक है आपके मन में नहीं लग रहे, आपके मन नहीं प्रसन्न हो रहा है जी, अभी तो समय हो गया ना जी, मैंने पितृ श्राद्ध नहीं किया वो, ठीक है करो पिताजी के श्राद्ध आदि करो है, जो तो करते हैं ना पितृ श्राद्ध अभी गए ना, काल समाप्त हो गया ना पुरुषु अवश्य, ठीक है करो, करके वो फल को किसको प्रदान करो, गोविंद को अर्पित कर दो है। गोविंद के अर्पण करने से समस्त पाप से मुक्त हो जाओगे तुम है। पहले गोविंद को अर्पण करके बाद में पितृ,
जत्कुरुषी जजोषी जदासी जत जत तपस्वी कुंत्यो तत्कुरुष मद अर्पण, सब फल मुझे प्रदान कर दो। हैं हम लोग जब कुछ भी कार्य करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ईदं सर्व फलं गोविंदं तुभ्यं नमः, हवन करते हैं। हवन करने के बाद वो हवन के फल हम किसको दे देते हैं, गोविंद के दे देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी तुम करोगे उसके फल मुझे प्रदान कर दो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। है जत करोसी जत जोशी जदासी जत 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 तपसी कुंत तत्कुरुष मत अर्पण, जो कुछ भी करोगे अंत में क्या करते हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। ईदं सर्व कर्म फलं गोविंदं तुभ्यं नमः। है यज्ञ किया, फायर सेक्रीफाइस किया, उसके बाद क्या करते हैं सारे फल को क्या करते हैं गोविंद, इसलिए पूर्णाहुति में आता है ना। है पूर्णाहुति में जो मंत्र जो होता है इसी के कहा जाओ, जो कुछ भी मैंने किया हे गोविंद आपके ही अर्पित कर रहा हूँ। है इसमें पाप पुण्य जो है मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, है मेरे कोई भक्ति नहीं है कर्महीन भक्ति सब में कुछ नहीं है। है आप प्रसन्न हो जाइए, है आप प्रसन्न सब कुछ हो जाता है, कुछ अर्पित कर देते। गोविंद को अर्पित नहीं किया तो कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा, यही तो शास्त्र में कहा था। है समझ में आ रही कि नहीं, जो कुछ भी कार्य करते हैं कार्य की फल किसको देना है गोविंद को देना। तो तुम्हें कर्म कर्म करने की फल तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है, तो ऐसे करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सब ऋण से मुक्त हो जाओगे और पुनः संसार आना नहीं पड़ेगा। है बोलो वृंदावन विहार जय जय श्री राम। हो गया हम लोग जाना है नहीं।